शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के सुहाना कंपाउंड से बड़ी संख्या में आज शिया समुदाय के लोगों ने सऊदी अरब की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सुहाना से प्रदर्शन शुरू हुआ और मित्तल के पास, शिया कब्रस्तान के पास जाकर ये प्रदर्शन जलसे में तब्दील हो गया है। विरोध प्रदर्शन में लोगों के हाथों में सऊदी सरकार के खिलाफ लिखी हुई तख्तियां हाथों में नजर आई और सऊदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। दरअसल सऊदी अरब के मदीना में जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, जहां पर हजरत फातिमा जहरा की कब्र है। सऊदी हुकूमत ने कई साल पहले इसे तोड़ दिया था, जिसे दोबारा बनाने की मांग शिया समुदाय की तरफ से किया जा रहा है और हर साल शिया मुस्लिम सऊदी अरब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह से आज मुंब्रा शहर में भी शिया समुदाय के धर्म गुरु मौलाना असलम रिजवी और मौलाना शब्बीर वारसी और ख़ास करके इस विरोध प्रदर्शन का जो आयोजन किए हैं, जिनका नाम है अली अब्बास, और हज़ारों की तादाद में मुंब्रा की सड़कों पर शिया समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान शिया समुदाय के धर्मगुरु मौलाना असलम रिजवी और मौलाना शब्बीर वारसी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना दें। इसमें एक तारीखी जुलूस निकाला गया, इसमें आपने भी शिरकत की। अहले सुन्नत हो, अहले तशय्यो, या हर मसलक से मानने वाले, हर मजहब के मानने वाले जुलूस में नजर आए, क्या कहेंगे आप इस साल? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अजमाइन। मैं ये पहली मर्तबा ये जन्नतुल बकी का एक अजीमुशान जुलूस, जो गालिबन मेरे इत्तला के मुताबिक हर साल सरजमीन मुंब्रा से निकाला जाता है, और इम साल चूँकि 100 साल मुकम्मल हुए हैं इन्हदाम जन्नतुल बकी को, लिहाजा अल बकी ऑर्गेनाइजेशन और शिया वेलफेयर सोसाइटी और मुंब्रा शिया इस्नाशरी कमेटी के ज़ेर निगरानी बिलखसूस मौलाना सैयद असलम रिजवी साहब क़िबला की क़्यादत में एक अज़ीमुशान जुलूस सुहाना कंपाउंड से ये मुंब्रा मित्तल ग्राउंड तक लाया गया है, और अभी एक अज़ीमुशान जलसा मुनक़िद होना है। मैं इस प्लेटफॉर्म से तमाम आलम इस्लाम को और आलम इस्लाम के तमाम मसालिक को और उनके उलमा को, उनके रहबरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज देखिए कि इस जुलूस में सरजमीन मुंबई में मुंब्रा में बिला तफरीक़ मज़हबों मिल्लतों अकवामों अदियानों मललों तहरीकात, हर कौम का आदमी, हर फ़िरक़े का, हर मसलक का आदमी, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सूफ़ी हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, हर कोई यहाँ पर आज इस जुलूस में शरीक है। बच्चे से लेकर, जवान से लेकर, बूढ़े से लेकर, औरतों तक, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और सबों का एक ही मकसद है और सबों की ज़ुबानों पर एक ही सदाए एहतजाज है, और वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा जल्द से जल्द तामीर हो। इसलिए कि अब वो अरब बन चुका है कि जहाँ पर सिनेमा घरों की तामीर हो रही है, वहाँ पर कलिसाओं की, मंदिरों की तामीर हो रही है, तो हम खैर उससे नहीं रोकते हैं। अगर आप इस्लामी निज़ाम से निकलकर जमहूरी निज़ाम में बढ़ रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ये हुकूमत जाने, हम उससे कोई शिकवा नहीं रखते, मगर हम ये कहते हैं कि भाई जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हमें भी ये इजाज़त दे दीजिए। हम नहीं कहते हुकूमत से कि आप अपना माल खर्च कीजिए या आप अपना पैसा सर्व कीजिए और आप अपने दौलत से, अपने शाही ख़जाने से आप रोज़ा बनाएं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ हम मुहिब्बाने अहले बैत को जो पूरी दुनिया में हैं, हम लोगों को सिर्फ जनाब फातिमा ज़हरा के रोज़े को तामीर करने की इजाज़त हमें दे दें। इंशाअल्लाह उनके नौकर
बीबी फातिमा के नौकरों को मौला ने इतना नवाज रखा है पूरी दुनिया में कि इंशाअल्लाह ऐसा रोज़ा जनाब सैयदा का तामीर होगा और उस रोज़े के गुंबद के साथ जो अइम्मा अहले बैत के वहाँ पर कबूर हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, ये तमाम कब्रों को इंशाअल्लाह एक बेहतरीन शक्ल में हम इस तरह रोज़ा बनाएंगे कि मौला ने चाहा तो वो रश्क जन्नत हो जाएगा। लिहाजा मेरा तमाम मसालिक के लोगों से ये अपील है कि आप भी अपने अपने खानकाहों में, अपने अपने अंजुमनों की तरफ से, अपने अपने अदारों की तरफ से जनाब सैयदा के रोज़े की तामीर के लिए सदाए एहतजाज बुलंद करें, जुलूस निकालें, जलसों का इनेकाद करें ताकि रोज़े महशर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम सब सुरखरू हो सकें। जो बहुत ही अहम बात थी वो बरादर अज़ीज़ मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब ने उसे बयान किया है और मैं बहुत ही आसान अंदाज में, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लोग सुनेंगे आपके ज़रिए से, मैं बताऊं कि आज ये इतना अजीम और इतना ग्रेट जो जुलूस है ये क्यों निकाला गया है। अगर हमारा एक गैर मुस्लिम भाई भी आपके इस वीडियो को देखेगा और सुनेगा तो ये समझे कि आज से तकरीबन 100 साल पहले अगर आप उसे इस्लामिक कैलेंडर से हिसाब करेंगे तो आज 100 साल पूरे मुकम्मल हुए हैं इस्लामिक, वरना 1925 में इंग्लिश के हिसाब से ये कब्र थी जिसमें आले रसूल के रोज़े थे जन्नतुल बकी मदीना में। सऊदी में एक शहर है मदीना, सब जानते हैं, वहाँ पर एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है जन्नतुल बकी, वहाँ पर कुछ रोज़े थे, कुछ मज़ार थे, उसे आले सऊद ने न जाने उनको क्या सूझी कि उसे आज के दिन 8 शव्वाल सन 1343 1343 में उसे गिरा दिया। और इसके बाद पूरी दुनिया में बिलखसूस अहले तशय्यो और उनके साथ जो सूफ़ी उलमा थे, जो सूफ़ी मसालिक से मरबूत थे और कुछ अहले सुन्नत के कुछ और ग्रुप, उन्होंने पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की। लेकिन इस मरतबा चूँकि 100 साल कम्प्लीट हुए, इस मरतबा आवाज़ बुलंद करने का अंदाज़ कुछ ज़्यादा ही अहम था और हरारत और गर्मी जो है मोमिनीन में कुछ ज़्यादा ही पाई जा रही थी। जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि आज ये जो आपने देखा ये क्राउड, ये गैदरिंग, ये लोगों का हुजूम, इसकी मिसाल मेरे हिसाब से 8 शव्वाल को मुमरा में कभी नहीं मिली होगी। और बहुत ही अजीमुशान प्रोग्राम हुआ, इसमें सुन्नी शिया सभी लोग आए, हमारे बाबा जान साहब भी जो हैं तशरीफ़ लाए, सूफ़ी मसलक से इनका ताल्लुक है और इनकी बड़ी खिदमतें हैं और ये मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए इनके मैसेजेस, इनके पैगाम, मैं चाहता ये हूँ कि बाबा जान से भी आप लोग इंटरव्यू लीजिए और ये बताएंगे कि ये कितनी खिदमत जो है अपने शोबे में, अपने सेक्शन में कर रहे हैं। क्या ये डेलीगेशन आले सऊद के खिलाफ के इंडिया के गवर्नमेंट के हिसाब से भेजा जाता है? जी हाँ, आज हम लोग जो हैं, जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर देने जा रहे हैं और इंशाल्लाह न ये कि फ़कत मुमरा में बल्कि पूरी दुनिया में। मैं आप लोग की खिदमत में अर्ज़ करूं कि आज यूएनओ में भी हम लोग एक दे रहे हैं अलबकी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक बहुत बड़ा लेटर जो है वहाँ पर यूएनओ में भी दिया जा रहा है इंशाअल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत।